से देख रहा था, तुम तो पहले बड़ी चली जाती थी खेलने, आज कर आएगी थी तुम। चलो वो छोड़ो, तुम्हें पता है मैंने तुम्हारे चॉकलेट लेके आया हूँ। आप मेरे लिए चॉकलेट लाए हो? ये! पर चुटकी तुम्हें ना मेरा एक काम करना पड़ेगा। अंकल अंकल पहले चॉकलेट दो ना। अच्छा ये लो चुटकी। अच्छा चुटकी मेरे साथ चलोगी? आपको क्या लगता है इसके बाद क्या हुआ होगा? वही जो आप सबके दिमाग में है, क्योंकि आजकल सबके दिमाग में यही चल रहा होता है। हमारे यहाँ बड़े बड़े नेता कहते हैं यदि लड़कियों के साथ कोई दुर्व्यवहार होता है तो उसमें गलती तो लड़कियों की होती है, क्योंकि वे लड़कों को उकसाती है। अब आप मुझे ये बताइए इस 4 साल की लड़की ने किसको उकसाया? समस्या एक नहीं अनेक, आइए इसके और रूप दिखाते हैं। लक्ष्मी, ए लक्ष्मी खाना ला जल्दी। अबे ये क्या लाई है तू है? तेरे माँ बाप ने कुछ सिखाया नहीं ऐसे अपना बोल मार दिया हमारे माथे। अबे रोटी ला रोटी। कोई घर में नहीं अनाज का दाना है और ना एक रुपया, बच्चे 4 दिनों से भूखे बैठे हैं। ऐसे में मैं आपके लिए रोटी कहाँ से ला? ये शराब का नशा छोड़ दीजिए, ये सब कुछ बर्बाद करके छोड़ेगा। ऐसे में अगर आप कुछ कमा कर नहीं लाओगे तो ये घर कैसे चलेगा? तू कौन सा अपने माँ बाप के घर से सोने चांदी का ट्रक भर के लाती है? आ तेरे को दिखाता हूँ रोटी कैसे बनाते हैं। जब एक लड़की अपने माँ बाप के घर से अपना सब कुछ छोड़कर ससुराल आती है तो क्या उसके सपने यही होते हैं? हम हमेशा लड़कियों को सिखाते हैं ऐसे उठो, ऐसे चलो और ऐसे बैठो, पर हम लड़कों को ये क्यों नहीं सिखाते कि लड़कियों को कैसे इज्जत दें? हम हमेशा लड़कों को सिखाते हैं कि लड़के कभी रोते नहीं, पर हम लड़कों को ये क्यों नहीं सिखाते कि लड़के रुलाते नहीं? मैंने तो सुना है तूने किसी बेटी को जन्म दिया है, अब कहाँ है वो? क्या? पता नहीं कैसे पागल औरत है, अपनी बेटी को मार दिया। हाँ मार दिया, मार दिया। पर अगर वे ना मारती, तो क्या ये अत्याचारी समाज जीने देता उसे? जीने देता? इस देश में बेटियों पर कितने अत्याचार होते हैं? या तो उनकी घर में ही हत्या कर दी जाती है, गलती से पैदा हो गई तो मार दिया जाता है, या तो दहेज प्रथा के चलते जिंदा जला दिया जाता है, या तो दामिनी की तरह दुर्व्यवहार किया जाता है। इन सब में बर्बर धड़कते मरते मैं उसे नहीं देख सकती थी, इसलिए मैंने अपनी बेटी को खुद ही मार दिया। मेरी बेटी। अब आप सब मुझे ये बताइए कि क्या गलती थी इस माँ की? ये तो हम सब जानते हैं इस देश में मेंटल, फिजिकल और डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस हर स्तर पर एग्जिस्ट करते हैं। इसका जिम्मेदार कौन? पुलिस, प्रशासन या आप और हम जैसे लोग? हमारी चुप्पी, हमारा इग्नोरेंस ऐसे अपराधों को बढ़ावा देते हैं। जरूरत है आगे बढ़कर कुछ करने की, शुरुआत हमें खुद से करनी होगी। दस्तक दीजिए इस समाज के दिमाग पर, इस समाज की सोच पर। आप सब दस्तक दें, हम सब दस्तक देंगे और ये आखिरी दस्तक होगी। कह दो इन अपराधियों को अब और मंजूर नहीं, अब और मंजूर नहीं। लेकिन हम तो बहुत खुश नसीब है जो हमने मंडार समाज में जन्म लिया, जहाँ बेटियाँ बड़ियों का रूप होती हैं, तरक्की धूम में सुहानी धूम, यहाँ बहू की बेटी और दुल्हन ही दहेज, यहाँ ससुराल फिर फूलों की सेज, यहाँ बेटियाँ हैं तो सास मसाज, यहाँ बेटियाँ फिर खूबसूरत एहसास, यहाँ बेटियाँ तो एक खूबसूरत एहसास।